हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं सुजीत कुमार यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल यूमिस ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जी के बारे में, धातु कर्म के बारे में। दोस्तों, धातु कर्म क्या होता है इसको जानते हैं सबसे पहले। धातु कर्म, ठीक है, जिसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। धातु कर्म का क्या अर्थ है, मतलब आप यूं सोचो कि धातुओं पर होने वाले कर्म को धातु कर्म कहते हैं। अब ऐसा समझ लो, धातुओं पर होने वाले कर्म को धातु कर्म कहते हैं, मतलब जो जो काम धातु के साथ किया जाता है वही क्या है, धातु कर्म। अब धातु कर्म को समझने से पहले, धातु कर्म एक्चुअली होता क्या है इसको समझने से पहले कुछ हम धातु कर्म के परिचय को समझते हैं, चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। आप यूं कहो, शब्दावलियों को समझने का कोशिश करते हैं कि धातु कर्म में क्या क्या शब्दावलियाँ यूज होंगी, उनका क्या अर्थ है, उनको अगर हम जान लेंगे तो आगे हमको कैसे सहायता मिलेगी। इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास कुल 118 क्या है, तत्व हैं, मेटल हैं। उन 118 तत्वों में मैंने आपको बताया था कि लगभग 75% क्या है, मेटल। 75% क्या है दोस्तों, धातु है, मेटल है। तो अब आप सोचो, मैंने ये भी बताया था आपको कि केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, केमिस्ट्री हर जगह है, वी कांट लिव विदाउट केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री के बगैर जी भी नहीं सकते, मतलब हमारे आसपास हर जगह केमिस्ट्री घुसी पड़ी हुई है। तो आप ऐसा सोचो कि हर जगह केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में 118 तत्व हैं, उनमें से 75% धातुएं हैं, तो धातुओं का रोल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो कोई आभूषण हो, चाहे हमारे खिड़की दरवाजे हों, या हमारे आसपास में और सारी चीज़ें हों, वो सब किसकी बनी है, धातुओं की बनी है। तो दोस्तों, धातुएं जो होती हैं वो आसानी से हमें प्राप्त नहीं होती हैं, इनके लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, जिन्हें हम धातु कर्म का नाम दे रहे थे अभी। तो देखिए, धातुएं जो हैं हमारी 75% है, और धातुएं दो तरह से प्राप्त होती हैं हमको इन्वायरमेंट में, वातावरण में दो तरह से धातुएं मिलती हैं। एक है मुक्त अवस्था में और एक है संयुक्त अवस्था में, ठीक है दोस्तों। दो तरह से हमें मेटल्स प्राप्त होते हैं, एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरे संयुक्त अवस्था में, दैट इज फ्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। तो फ्री फॉर्म या कंबाइंड फॉर्म का क्या अर्थ है, आप इसको अगर समझने का कोशिश करेंगे तो मतलब जो धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है, मैंने आपको रासायनिक श्रेणी के बारे में बात किया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बात किया था, मतलब एक ऐसा सीरीज हम लोगों ने बनाया था जहाँ पे हमको ये पता चल पाता कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप पिछले चैनल की लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। बहरहाल अभी के लिए मैं आपको इतना बताऊँ कि जब ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो आप इस तरीके से समझो कि धातुओं की क्रियाशीलता जो है वो घटती है, और इनफैक्ट हमने कहा था कि जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सब धातुएं क्या है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये अपने आप अकेले ही रहना चाहते हैं, मतलब फ्री में छोड़ दो उनको, मतलब किसी के साथ मैं कंबाइंड नहीं करने वाली हूँ, जुड़ने वाली नहीं। को पता है सभी तत्व तो अपने वाई को उसमें इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, अपने स्टेप को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन जो खुद बहुत ही कम अभिक्रियाशील है वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ता है, छोड़ो हटाओ, जो ऐसा भी हूँ मैं खुश हूँ, मुझे और
इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे और पैसा नहीं चाहिए, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मुक्त अवस्था में जो है धातुएं आप क्या होती हैं, कह सकते हैं ऐसी धातुएं जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं वे मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे हमारे पास होता है गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम दोस्तों क्या होते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं, फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं, ये किसी के साथ कोई भी रिएक्शन करके कोई भी कंपाउंड फॉर्म में नहीं होती, कोई भी कंपाउंड फॉर्म में नहीं होती। जैसे सोडियम धातु है हमारा, तो सोडियम क्या है, क्लोरीन के साथ है ना, क्लोरीन के साथ रह सकता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रहता है, सोडियम सल्फेट के साथ रहता है। तो दोस्तों सोडियम फ्री फॉर्म में नहीं होता है, व्हाई, बिकॉज सोडियम मेटल इज वेरी 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 मच रिएक्टिव, दैट्स व्हाई सोडियम मेटल्स कांट बी फाउंड इन फ्री स्टेट। इसके कारण से सोडियम मेटल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो क्या कह सकते हैं भैया, कहेंगे कि ऐसी धातु जो हमको मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है, ये धातुएं क्या होती हैं, कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो मेटल्स दो स्टेट में, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन, जो कम अभिक्रियाशील है और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करके की हुई हैं, उन्हें हम मुक्त अवस्था की धातुएं कहते हैं। जिनमें से प्रमुखता से दो नाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। अच्छा अब तो होशियार है, यू आर वेरी फास्ट। तो क्या बोलेंगे, मुक्त अवस्था में धातु आपको पता चल गई, तो संयुक्त अवस्था में क्या होंगी, इन्हीं को पलट दो। अर्थात मुक्त संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं क्या करती हैं, दूसरे किसी तत्व के साथ अभिक्रिया करके उस फॉर्म में पाई जाती है। जैसे हमारा एल्युमिनियम है ना, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर है ना, वो सिल्वर क्लोराइड, जिसको सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं, इस फॉर्म में पाया जाता है। फिर ऐसे ही कोई धातु कार्बोनेट के फॉर्म में है, कोई सल्फर से अभिक्रिया करके सल्फाइड फॉर्म में है, कोई जैसे कापर ही है हमारा CuFeS2, ये कापर हमारा सल्फेट फॉर्म में है, या आप कह सकते हो पोटेशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके KCl फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे ये धातु क्या है, फ्री नहीं है, ये धातु क्या है, फ्री नहीं है, ये क्या है, किसी ने किसी के साथ अभिक्रिया की हुई है और उस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में पाई जा रही है, हमारे इन्वायरमेंट में पाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है। तो धातु दो फॉर्म में, एक मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था वाली धातुएं वे हैं जो कम अभिक्रियाशील हैं, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड। संयुक्त अवस्था वाली धातुएं वे हैं जो किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ अपने आप को जोड़ के रखती हैं, संयुक्त करके रखती हैं। तो इस तरीके से हमको क्या होता है दोस्तों, मुक्त और संयुक्त अवस्था की धातुओं का चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारा अर्थ क्रस्ट, ये हमारा पृथ्वी, आपको जैसे पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल की बात है। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, ये पृथ्वी है, इसके अर्थ क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट की बात करें, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इस तरीके की बात करें, तो हमारे पास एक लिस्ट हुआ करता है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कौन से तत्व कितनी मात्रा में पृथ्वी में पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और दोस्तों अदर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन है 49.2% परसेंटेज में, मैं यहाँ पे आपको ये लिख रहा हूँ, ये क्या है, तत्व है और ये इनके परसेंटेज कंपोजिशन है, कितने कितने परसेंट में ये इन हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं पृथ्वी पर। तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है इतना परसेंट, एल्युमिनियम है इतना परसेंट, आयरन है इतना परसेंट आपका, फिर ये कैल्शियम इतना परसेंट है, ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, ये आपका जो है मैग्नीशियम है, ये आपका हाइड्रोजन है 1% और 2.2% में बाकी सारे लोग, 2.2
2% में बाकी सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंपोजिशन है हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट का। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो पाया जा रहा है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या है तत्व दोस्तों, ऑक्सीजन पाया जा रहा है। अब मेटल की बात करें, ऑक्सीजन तो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। मेटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटल के रूप में पाया जा रहा है हमारा एल्युमिनियम। तो कहते हैं, सवाल भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, एल्युमिनियम। 7.5% आपका एल्युमिनियम पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मतलब हाईली प्रचुर मात्रा में आप कह सकते हैं एल्युमिनियम पाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि हमारा अर्थ क्रस्ट कैसा है, तो ये एक कंपोजिशन है जिसके आधार पर हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है और सबसे ज़्यादा अगर मेटल की बात करें तो क्या है, एल्युमिनियम है। इस तरीके से क्या है पृथ्वी की, मतलब अर्थ क्रस्ट की संरचना है। अब उसमें से हम क्या करते हैं, धातु को स्टैक करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब कुछ धातुएं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में पाई जा रही हैं, दूसरे के साथ मिक्स है, और उनमें से अपने को क्या करना है, धातु प्राप्त करना है। तो उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो सारी अशुद्धियों को हटाते हुए वो धातु को क्या करेंगे, शुद्ध अवस्था में बाहर ले लेंगे। इसी क्रिया को धातुकर्म भी कहते हैं। आगे चल के हम इस पर बात भी करेंगे दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि धातुकर्म पढ़ने के लिए कुछ शब्दावलियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बात किया कि संयुक्त अवस्था के तत्व, मुक्त अवस्था के तत्व, और इस तरीके से पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी संरचना है, इस पर बात किया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक टॉपिक आता है खनिज, दैट इज द मिनरल्स। खनिज देखा दोस्तों, खनिज क्या होता है, बड़ी आसान से बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है खनिज। तो आप इस तरीके से समझो कि पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी के अंदर धातु तथा धातु के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। जिस भी रूप में, मतलब हमने पृथ्वी के अंदर से खोदा कोई भी धातु या धातु का यौगिक जिस रूप में पृथ्वी से बाहर आया वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। अब ऐसे सोचो कि हमने क्या किया, आयरन को निकाला, तो आयरन कार्बोनेट ग्रुप में बाहर आया, या हमने दूसरे जगह से खोदा तो आयरन ऑक्साइड के रूप में बाहर आया, या हमने कहीं और से खोजा तो आप समझ लो किस तरीके से आयरन सल्फाइड के रूप में भी बाहर आ सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, सल्फाइड रूप में आता नहीं है, पर आप समझो कि आयरन सल्फाइड के रूप में बाहर आ सकता है। तो अब आयरन क्या है, ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड, किसी भी रूप में क्या करते हैं, खोदते हैं तो बाहर आ सकता है। तो जिस भी रूप में ये आएगा उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, खनिज कहेंगे। तो कह सकते हैं कि धातु या उनकी यौगिक जिस रूप में पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हम खनिज कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आती है, दैट इज द अयस्क। अयस्क देखिए, अयस्क में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप आसानी से समझो कि जैसे हमने धातु या धातु के यौगिक को पृथ्वी से खोद के बाहर निकाला उसे क्या कहा हम लोगों दोस्तों ने, खनिज कहा। अब खनिज जो है वो एक ही धातु का अलग अलग कई प्रकार का खनिज आया, एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया। अब उसी खनिज में से, वही खनिज जो पृथ्वी के अंदर से बाहर हम लोगों ने निकाला हुआ है, इसी खनिज में से हमको क्या करना है, धातु को क्या करना है दोस्तों, बाहर निकालना है। इसी खनिज में से धातु को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब आप समझो कि यहाँ पे आयरन के अलग अलग हमको क्या मिले, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमको खनिज देखने के लिए मिले, मतलब कुछ कार्बोनेट के मिले, कुछ सल्फाइड के मिले, कुछ ऑक्साइड के मिले।
अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें से हम आसानी से अपने धातु को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। यहाँ से हमको क्या करना है, आयरन निकालना है, यहाँ से भी आयरन निकालना शुद्ध अवस्था में। तो जिसमें से आयरन को कम खर्चे में वह आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है, उस खनिज को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे दोस्तों। तो कह सकते हैं कि वह खनिज जिसमें से धातु को आसानी पूर्वक और कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वह खनिज जिसमें से धातु को आसानी पूर्वक व कम खर्चे में निकाला जाता है उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो जैसे अब क्या होगा, अगर इसमें से ये पकड़ में आया, यह ज्ञात हो गया कि इसमें से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, धातु को निकाल सकते हैं, तो अब इस खनिज का स्पेशल नाम हो जाएगा अयस्क। जैसे आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं लेकिन उसमें से क्या हो जाता है, एक का नाम मॉनिटर पड़ जाता है, उसके क्रियाकलाप या उसके तेज होने के कारण से उसका नाम क्या हो जाता है, मॉनिटर पड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि सभी मॉनिटर बच्चे होते हैं, मतलब जितने भी मॉनिटर पूरे स्कूल में आप देख लीजिए, सभी बच्चे होंगे, लेकिन सभी बच्चे मॉनिटर नहीं होते, सब लोग तो मॉनिटर नहीं बन पाएंगे, है ना, हम भी नहीं बनते, अब भी शायद बने होंगे, नहीं बनेंगे पता नहीं। तो कह सकते हैं सभी बच्चे मॉनिटर नहीं बनते हैं, लेकिन सभी मॉनिटर तो बच्चे होते ही। उसी तरीके से कह सकते हैं कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क बने ये जरूरी तो नहीं है। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क बने ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है बात दोस्तों। तो अयस्क क्या है, वह खनिज जिसमें से धातु को कम खर्चे में और आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। पता चला हमने क्या किया, पृथ्वी के अंदर से ऐसा 100 किलो क्या निकाला, लोहे का कोई खनिज निकाला। अब उसमें से हम लोहे को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि खनिज तो क्या, उसमें तमाम अशुद्धियाँ हैं, कंकाल पाथर, और वो कंबाइन किया हुआ है क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, उन सबको हटाना है, वहाँ से हमको क्या करना है, शुद्ध आयरन प्राप्त करना है। अब पता चला उस आयरन को निकालने में हमको खर्चा हो गया 10,000 और आयरन मार्केट में बेचा हमने केवल 8,000 का, तब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसे खनिज को सेलेक्ट करना है जहाँ से धातु को आसानी से बाहर निकाला जा सके, कम खर्चे में बाहर निकाला जा सके, ताकि प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, तो उस खनिज को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वह खनिज जिसमें से कम खर्चे व आसानी में धातु को बाहर निकाला जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अयस्क के नाम से पहचान। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आपको समझ लेनी है, अधात्री या इसको गैंग कहते हैं, गैंग के बारे में आपने सुना होगा, गैंग बना के चल रहे हैं, या ये हो गए वो है, तो अधात्री या गैंग, या इसको एक नाम और देते हैं मैट्रिक्स भी देते हैं। तो दोस्तों जो हमारे अयस्क में है ना, अब अयस्क की बात करेंगे कि अयस्क से हमको क्या करना था, तो को रिमूव करना है, बाहर निकालना है। जो हमारे अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जो हमारे अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं ना, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, या तमाम अशुद्धियाँ जो है हमारे अयस्क में देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी के अंदर से उसको निकाला हुआ है। तो अयस्क में जो तमाम अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स के नाम से क्या कहते हैं दोस्तों, जानते हैं। गैंग या मैट्रिक्स क्या है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ हैं, बस आप इतना समझो कि अयस्क में उपस्थित क्या है, अशुद्धियाँ ही क्या है, गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री है, अलग अलग नाम है लेकिन उनका अर्थ क्या है, समान है। अब दोस्तों हम कुछ आपसे अयस्क के प्रकार की बात कर लें, अगर
अयस्क के प्रकार। तो दोस्तों मैंने जैसे कि पहले बताया कि अयस्क होते क्या है, अब अयस्क के प्रकार की बात करें तो पहला तो क्या है, प्राकृतिक अयस्क। पहला क्या है, प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क क्या है दोस्तों, जो हमारे वातावरण में धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो उनके जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक अयस्क कहलाते हैं। तो प्राकृतिक अयस्क जो नेचुरल ओर्स हैं, जो नेचुरल ओर्स हमारे हैं वो क्या है, प्लैटिनम और गोल्ड, प्लैटिनम और गोल्ड। अच्छा याद रखना है दोस्तों, कुछ धातुएं जैसे हमारी सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, यह संयुक्त व मुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती है। आप इन्हें अपवाद कहें या इनका विशेष क्वालिटी कहें, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन सिल्वर, कॉपर और आयरन जो है मुक्त और संयुक्त अवस्था में दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट पर होते भी हैं। आपको पता भी है कि आयरन, कॉपर वगैरह क्या है, मॉडरेट लेवल का, मतलब ना बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना क्या है, बहुत कम अभिक्रियाशील है, तो दोनों स्थितियों में पाया जाता है। तो प्राकृतिक अयस्क की बात करें है ना, तो प्राकृतिक अयस्क में वे अयस्क जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में धातुओं द्वारा बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। तो नेचुरल अयस्क क्या है, आप सिंपल सब ये कहो कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं के अयस्क को नेचुरल अयस्क कहते हैं, इनमें प्लैटिनम और गोल्ड हमको देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद दूसरा वाला बात करें, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, इस तरीके से है ना, ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्क क्या होगा दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा, इसमें क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो कह सकते हैं कि जब जो है कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई हो तो उस अयस्क को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। इसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, Al2O3 × 2H2, या बॉक्साइड अयस्क है, और बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम धातु है। इसी तरीके से आपने देखा होगा Fe2O3 है ना, Fe2O3 ये आपका क्या है, ये आपका आयरन के ऑक्साइड का अयस्क है, हीमेटाइट, ये आपका क्या है, हीमेटाइट है, आयरन के ऑक्साइड का अयस्क, मतलब आयरन क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑक्साइड अयस्क हो गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्साइड अयस्क हो गया। तो अयस्क को पहचाना तो आसान हो गया, या अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो ऑक्साइड अयस्क, सल्फर जुड़ा तो सल्फाइड अयस्क, कार्बन जुड़ा तो कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड जुड़ा है तो क्लोराइड अयस्क, सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर अब हम बात करें आपसे सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क, तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क को कैसे परिभाषित करेंगे, तो कह सकते हैं आप कि जब किसी धातु में धातु का संयोग सल्फर के साथ हुआ हो, और तो इस प्रकार के बनने वाले अयस्क को हम क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको दिया था, Cu Fe S2, या आपका क्या है, कॉपर ग्लांस, ये हमारा क्या दोस्तों, कॉपर ग्लांस है। उसी तरीके से होता है AgS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ग्लांस बोलते हैं। अब ये जो आपका Ag2S, ठीक, Ag2S, क्योंकि इसकी वैलेंसी दो है, तो इसके बाद चलिए एक बार, तो Ag2S क्या है, सिल्वर ग्लांस, ये भी सल्फर से जुड़ा हुआ है और ये भी सल्फर से जुड़ा हुआ है। तो ये कॉपर ग्लांस है, कॉपर का अयस्क है, सिल्वर का अयस्क है, सल्फाइड अयस्क क्यों कहा, क्योंकि सल्फर से जुड़े हुए। इस तरीके से अगली बात करें लोग तो कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क क्या है दोस्तों, जब कोई भी धातु कार्बोनेट से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वो कार्बोनेट अयस्क होगा। जैसे आयरन कार्बोनेट से जुड़ा होता है, सोडियम कार्बोनेट से जुड़ा होगा, तो ये सब जो है क्या कह सकते हैं, कार्बोनेट के अयस्क कह सकते हैं। जब कोई भी धातु कार्बोनेट जुड़ा हो तो ऐसे अयस्क को कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों क्लोराइड अयस्क की, तो जब कोई भी धातु क्लोराइड से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्लोराइड अयस्क होगा। जैसे हार्नेस सिल्वर है,
है ना, AgCl, AgCl हार्ड सिल्वर। इसी तरीके से कार्नेलाइट होता है ना, AcL MgCl2 into 6H2 AcL MgCl2 into 6H2 ये आपका होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट ये आपका क्या है, हार्न सिल्वर। ये क्या दोस्तों आपका हार्न सिल्वर है और ये आपका क्या है कार्नेलाइट। ये क्या है क्लोराइड का एस का, यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो इस तरीके के एस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोराइड के एस कहते हैं। इसी तरीके से अन्य एस भी होते हैं, सल्फेट के एस, सिलिकेट के एस, तो बहुत सारे एस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही एस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि तत्व को मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था में बांटा गया है, और किस तरीके से हमारे अर्थ क्रस्ट पे तमाम जो है तत्व हैं, ऑक्सीजन जो है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारी चीज़ें कितनी परसेंटेज में हैं। फिर दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है। फिर खनिज में से अयस्क को निकाला कि अयस्क क्या होते हैं, मतलब वह खनिज जो कम खर्चे में और आसानी पूर्वक धातु दे सके वो क्या है, अयस्क। और ये भी बात किया कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इस पर चर्चा किया दोस्तों। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े तो अयस्क के प्रकार की बात कर रहे हैं। अयस्क के प्रकार की बात में आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क, अल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क, इस प्रकार के अयस्क हैं। फिर मैंने आपसे बात किया धात्री मैट्रिक्स या गैंग क्या होती है, मतलब जो अयस्क में उपस्थित शुद्धियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी इत्यादि की शुद्धियाँ, उसी को क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि प्लैटिनम और गोल्ड को छोड़ के कोई भी धातु संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है, जब उसको हम पृथ्वी से निकाल रहे हैं तो उसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, उनको छांट के हमको क्या करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो अब धातु कर्म कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे उसको, धातु कर्म। धातु कर्म क्या है, मेटलर्जी क्या है, तो आप कहेंगे कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया ही क्या है, धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया ही क्या है, धातु कर्म है। और धातु कर्म के अंतर्गत दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है, धातु कर्म के अंदर हमको मुख्य रूप से तीन स्टेप्स फॉलो करना है। धातु कर्म के अंदर हमको क्या करना है, मुख्य रूप से तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, और तीसरा है धातु का शोधन। इन तीन स्टेप्स में हम क्या करेंगे, इन तीन स्टेप्स में क्या करेंगे दोस्तों, धातु को हम क्या करेंगे, शुद्ध फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमने क्या किया, पृथ्वी के अंदर से ये हमने क्या निकाला, अयस्क निकाला। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब होगा कि हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी वानी डाल के इसमें जो मिट्टी उट्टी लगी उसको धुल देंगे। अब इस अयस्क में से क्या करेंगे, अपने धातु को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अभी ये धातु पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, शोधन कर लेंगे, और यहाँ से 99.9% के आसपास हम क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में धातु को प्राप्त करेंगे। तो धातु कर्म क्या है दोस्तों, कि अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने को धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म करने, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर उसमें से धातु को बाहर निकालते हैं, और फिर धातु का क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से धातु कर्म प्रक्रिया होगी। मैंने आपको धातु कर्म के को जानने के लिए कुछ टर्मोलॉजी बताई, खनिज, अयस्क, धात्री मैट्रिक्स, इस तरीके से मुक्त संयुक्त अवस्था में तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करेंगे धातु कर्म की, और उसमें बात करेंगे अयस्क सांद्रण की क्या क्या विधियाँ हैं। फेन प्लॉन विधि है, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि है, चुम्बकीय पृथक्करण विधि है, इन सब विधियों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से धातु कर्म होता है। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, थैंक यू।